सबसे पहले मैं देवी पाटन मंडल की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि देवी पाटन मंडल राम जन्म भूमि आंदोलन से सदैव जुड़ा रहा और इस समय भी देवी पाटन मंडल की जनता ने 4 में से 3 सीट दे करके ये साबित कर दिया कि ये राम के भक्त हैं, अयोध्या से जुड़े हैं, अयोध्या से पुराना नाता है और भारतीय जनता पार्टी के झोली में से 4 में 3, तो इसलिए देवी पाटन मंडल की जनता को बधाई है, कैसरगंज की जनता को बधाई है और 6 बार मैं स्वयं, 1 बार मेरी पत्नी, बेटा विधायक, फिर बेटा सांसद, ये सब पूरे देवी पाटन मंडल की जनता का आशीर्वाद का परिणाम है। देखिए, हम राम के भक्त हैं, देवी पाटन मंडल का सबसे ज्यादा देश के अंदर सबसे अधिक लगाव अगर अयोध्या से है, हनुमान जी से है, राम से है, शिव से है, तो देवी पाटन मंडल। हमने सलाह दे दिया है और वो सलाह बिल्कुल अमल पर है और पूरे आज जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, करण भूषण सिंह एक ऐसे प्रत्याशी हैं कि एक दिन उनका शेड्यूल आराम का नहीं है, वोट पड़ने से लेकर के और कल तक वो चल ही रहे हैं, आज भी कहीं चलेंगे। जनता और नेता के बीच में गैप होने वाला है, जिसको भली भांत निभा रहे हैं। हम कहते हैं देश में कोई सांसद नहीं होगा जो लगातार अपने क्षेत्र में चल रहा हो, और ये नहीं कि कोई उत्सव मना रहे हैं, नहीं, देखिए आप अंतर, तो मैं कहूँ बनारस क्यों कम हो गया, मैं कहूँ लखनऊ क्यों कम हो गया, तो कम तो हुआ ना, ये समीक्षा होगी क्यों कम हुआ। लेकिन जहाँ 37 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है, वहीं पर 3 सीट देवी पाटन मंडल से अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए निकल रही है, ये समीक्षा का विषय नहीं है। रोशन सिंह यही कर रहे हैं, लोगों से आगे मिल क्या रहे हैं, होगा? लोगों से मिल रहे हैं, मिलेंगे। हमारे पास बहुत नाम है, जैसे बच्चों के लिए हम करियर काउंसलिंग का काम करते हैं, स्वास्थ्य के संबंध में काम करते हैं, वृक्षारोपण के संबंध में काम करते हैं, खेल कूद के संबंध में काम करते हैं, हम खाली कहाँ है, हमारे पास बहुत काम है। मोदी जी वर्तमान में ना, मोदी जी, अच्छा, आप उसके अलावा लगातार कोई विकल्प ही नहीं है। देखिए, विपक्ष को मालूम नहीं था कि इतनी सीटें हमको मिल रही, मालूम नहीं था कि इतनी सीटें हमको मिल रही, क्यों मिली है ये समीक्षा का विषय है, ये समीक्षा का विषय है। लेकिन मोदी का विकल्प अभी नहीं है किसी के पास, और ना भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है, दुर्भाग्य होगा वो। ये अभी तक इनका नेता ही निश्चित नहीं है, नेता मैं पहले से कह रहा हूं, ये नेता चयन में ही सरपटौल हो जाएगी इनकी, नेता चयन में सरपटौल हो जाएगी। देखिए, अरे कल तो हम मैं पहले कह रहा हूं, इनकी अगर प्रधानमंत्री कोई बन जाता है, प्रधानमंत्री की बात गृह मंत्री नहीं मानेगा, प्रधानमंत्री के बाद वित्त मंत्री नहीं मानेगा, पहले तो इसी के लिए मार होगी कि बनेगा कौन, तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। अभी इसके लिए विपक्ष तैयार नहीं है, उनको परिपक्व होने की जरूरत है, जनता ने बहुत ज्यादा दे दिया, वही मजबूत विपक्ष का ही निभावें, और कोई रास्ता नहीं है, वही निभावें और अच्छे से निभावें, थोड़ा ठीक ठाक निभावें, देश को जरूरत है मजबूत विपक्ष की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।